तकवे पर इसको रिस्क ऐसी जगह से देंगे जहां इसका गुमान ख्याल नहीं पहुंचेगा, ऐसी जगह से रिस्क देंगे जहां इसका ख्याल से गुमान नहीं पहुंचेगा, हम वहां से इसको रिस्क देंगे। सहाबा किराम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से लेना सिखलाया था। हम तो सिर्फ असबाब के जरिए लेना सीखते हैं ना, बिजली सीख लो, वकालत सीख लो, जमींदारा सीख लो, या और दुनिया के बेशुमार फनून हैं जो नए नए पैदा हो रहे हैं कि ये सीख लो, इन्हें सीख कर इन पर मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला से कामयाबी लेंगे। सुनो, इस पर दुनिया की गाड़ी चल रही है और लोग कहते भी हैं कि मेहनत तो करेंगे हम असबाब पर, कामयाब अल्लाह करेंगे। सुनो, ये अजीब बात है, ये अजीब बात है, और लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं और इसको सही समझते हैं, लोग इसे सही समझते हैं, लोग इसको सही समझते हैं, हालांकि ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। लोग इसको सही समझते हैं कि असबाब पर मेहनत करना हमारे जिम्मे है और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, लोग इसको सही समझते हैं। ये वजह है कि लोग मेहनत करते हैं असबाब पर और कहते हैं कि अल्लाह से उम्मीद करो, कि असबाब पर मेहनत करने वाले को अल्लाह से उम्मीद करने का कोई हक नहीं है। अरे सुनो तो सही, असबाब पर मेहनत करने वाले को अल्लाह से उम्मीद करने का कोई हक नहीं है। क्यों? इसलिए कि महज असबाब पर वो भी मेहनत कर रहा है जो अल्लाह को जानता भी नहीं है, अल्लाह को जानता भी नहीं, महज असबाब पर वो मेहनत कर रहा है जो अल्लाह को जानता भी नहीं है, वो भी ये कहता है, वो भी ये कहता है कि मेहनत तो करेंगे हम असबाब पर, कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में। आप देख लीजिए, दिमाग मुशरिक, दिमाग मुशरिक, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना कि आप एक अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो दिमाग कहने लगा कि इस आदमी पर कोई ऊपर असर है जो कहता है माबूद एक ही है, जो कहता है माबूद एक ही है उस पर कोई ऊपर असर है, मैं इनका इलाज करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए कई मुशरिक आए, सुनो गौर से, लेकिन आप देखेंगे रिवायतों में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक के साथ मामला अल्लाह, आपने इस तरह अपने आप को पेश कर दिया और आपने उनकी बात का कोई असर नहीं लिया और कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, यानी तुम बीमार हो, मैं बीमार नहीं हूं, तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूं। उसने कहा कि आप एक अल्लाह से होने को कहते हैं कि हाँ मैं एक अल्लाह से होने को कहता हूं, बाकी किसी शक्ल से नहीं होता सिवाय अल्लाह। दिमाग ने कहा कि मैं आपका इलाज करूंगा, मैं आपका इलाज करूंगा, कोशिश करूंगा आपके इलाज की, लेकिन शिफा और कामयाबी और सेहत वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कौन कह रहा है? मुशरिक कह रहा है, मैं आपका इलाज करूंगा, आप ठीक हो जाएंगे, मगर शिफा अल्लाह के हाथ में है, वो चाहेगा तो आपको शिफा हो, मैं कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूं कि उस जमाने का मुशरिक, जब शिर्क ही शिर्क था, ईमान नहीं था, वो कह रहा है कि मैं जाहिरी कोशिश करूंगा इलाज की, शिफा अल्लाह के कब्जे में है। आज मुसलमान ये कहे कि भाई हम तो दुआ करते हैं, बाकी शिफा अल्लाह के कब्जे में, हम तो जमींदारा करते हैं, गल्ला तो अल्लाह के कब्जे में है, हम तो तिजारत करते हैं, नफा तो अल्लाह के हाथ में है,
हम तो मुलाजमत करते हैं और तनख्वाह तो अल्लाह के हाथ में है जिया। सुनो गौर से बात, इस रुख पर जो चल रहे हैं वो कामयाबी के रास्ते पर नहीं। वरना जितने असबाब है दुनिया में वो सारे असबाब अल्लाह को मानने वाले ना मानने वाले सबके दरमियान असबाब मुश्तरक हैं। ताजिर मुसलमान भी है गैर मुस्लिम भी है, जमींदार मुसलमान भी है गैर मुस्लिम भी है, डॉक्टर मुसलमान भी है गैर मुस्लिम भी है, वकील मुसलमान भी है गैर मुस्लिम भी है, हाकिम मुसलमान भी है गैर मुस्लिम भी हाकिम है। देखो दुनिया में कोई सबब ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया के असबाब में से हुकूमत से लेकर एक जूता गांठने वाले तक, इनके सबके दरमियान असबाब मुश्तरक है। फर्क क्या है, फर्क क्या है? और फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है कि अल्लाह को मानने वाले के लिए आमाल जरिया है, अल्लाह को न मानने वाले के लिए सिर्फ असबाब जरिया है। ये फर्क है, ये फर्क है जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फर्क सहाबा को बतलाया और दिखलाया और इसी बुनियाद पर उठाया कि तुम्हारे गैरों के असबाब में फर्क यह है कि तुम्हारे नजदीक हुक्म सबब है और ये सारे अहकाम असबाब में ऐसे पिरे हुए हैं जैसा तस्बीह के दानों में हर दाने से डोरा गुजरता है। आप देख लीजिए, अगर 1,000 दाने की तस्बीह है, 10,000 दाने की तस्बीह है, 100 दानों की तस्बीह है, तो लाजिम है कि हर दाने के दरमियान से डोरा गुजर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तस्बीह ये दाना इस तरह जुड़ा हुआ है इसमें डोरा ना गुजर रहा हो, ऐसा नहीं होता। जिस तरह तस्बीह के हर दाने से तागा गुजर रहा है, इस तरह सारे असबाब में अहकाम फिरे हुए हैं, सारे असबाब में अहकाम फिरे हुए। वो अहकाम असल है, असबाब असल नहीं है, अहकाम असल, असबाब असल नहीं है।